close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so आप लोगों को पता होगा guys कि बहुत time हो चुका है मैंने अपने channel पे कुछ डाला नहीं है. And फिलहाल तो guys मैं अपने साथ मेरे कुछ दोस्तों को लाया हूँ जो कि मेरे सामने चल रहे, क्योंकि वो लोग बहुत shy feel करते हैं. I don't know ऐसा क्यों. And आप लोगों को तो पता होगा माइक का बहुत ज़्यादा इशू है. So फिलहाल guys मैं आ चुका हूँ दादर वेस्ट का जो मार्केट है. खास करके आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलती है लाइक एंड फिलहाल आप लोगों को पता होगा कि गणपति बापा का जो स्वागत होने वाला है मुंबई में, हर जगह पूरे इंडिया में आप लोगों को पता है, एंड इवन बाहर गांव में भी होता है. सो फिलहाल यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है डेकोरेशन के लिए. तो अगर हो सके तो मैं सारी चीज़ें कवर करने को ट्राई करूँगा आज के व्लॉग में. एंड सॉरी फॉर जो आजू बाजू का नॉइस है. सो फिलहाल स्टार्ट करते एंड देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा आज का व्लॉग पूरा देखना, क्योंकि जितना हो सके मैं उतना कवर करने को ट्राई करूँगा. तो देखते रहो पूरा व्लॉग एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. सो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड नॉइस है. ओके सो इधर बहुत ज़्यादा बारिश है एंड ये बंदा आई डोंट नो इतना क्यों शाय फील करता है कैमरे के सामने, ऐसे तो बहुत बोलता है ये बंदा ये. सो अभी मेन मार्केट में हम लोग एंट्री करने वाले हैं बहुत जल्दी. खाते में तो ले, इतना भी शाय फील मत कर कि मेरे को भिगा दे तू. सो फिलहाल अभी चलते हैं मेन मार्केट में. एंड गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी बहुत से फेस्टिवल क्लोज है. ये डेट टू डेट हर एक फेस्टिवल एंड हैंडी के व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत से व्लॉग्स ऑलरेडी मिस कर चुका हूँ, बहुत से कंटेंट. इवन मैंने कल भी सोचा था कि 15 अगस्त को जाऊँगा बट सुबह उठा नहीं मैं. सो वो सब छोड़ो, अभी जो व्लॉग्स आएंगे बहुत डोप होंगे. अभी बनाते दादर वाले पे सबसे पहले. तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये स्टेशन का रोड है एंड वहाँ से सामने आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ये सुविधा फैमिली शॉप दिखेगा. देन उसके बाद जो आप लोग देख सकते हो जेके जंबो जो कुछ भी है वो सब छोड़ो. एंड देन यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद आप लोगों को राइट लेना है. देन आप लोग वहाँ पे बुक आइडियल डेपो जो कुछ भी है दिखेगा एंड वहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होता है. सो चलते एंड व्लॉग कंटिन्यू करते हैं अब. ओके सो गाइस मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हम लोग मेन मार्केट में आ चुके हैं एंड सबसे पहले मेरे को जो शॉप दिखी जो कि बहुत अच्छी शॉप है, तो पूछते हैं क्या प्राइस वगैरह. आप लोग क्या प्राइस है इसका? 150 का. 150 का? हाँ. यानी मुझे स्टार्टिंग कुछ नहीं मत को 40 रुपये स्टार्टिंग लेंगे. 14 का शून है. 50 मैं आप लोग एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइक आप लोग अगर स्ट्रीट शॉपिंग करते हो तो ये एंट्री से भी किया करो. कहानी क्या प्राइस है? ये 100 रुपीज का है एंड देखी थी ना 200. अच्छा 28 से ना 120. अच्छा ठीक है चाले. आनी क्या तुम्हारे क्या प्राइस है? 120. ये पण 120. अच्छा आणि हे पार्ट सर? 28. अच्छा 28. ओके. तो इनके पास आप लोगों को हर रेंज में जो चाहिए और चीजें मिल जाएंगी लाइक डेकोरेशन से हर एक चीज़ रिलेटेड. तो इनके पास आना एंड बाय करो आंटी से. अच्छा लगा कि बाय, थैंक यू सो मच सर. ओके सो गाइस डोर पे जो हम लोग तोरण वगैरह लगाते हैं जिसको मराठी में बोलते हैं स्पेशली, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें. क्या प्राइस है जी? ये 120 से स्टार्टिंग है. यानी है सर इसको कंटी बोलते ना? कंटी बोलते तोरण है. अच्छा ये पण तोरण है सर. ओके आणि ह्याचं काय प्राइस? ये सारे 400 में आप लोग को मिल जाएंगे. ओके आणि आर्टिफिशियल अच्छा एक फ्लावर 90 का. ओके आणि है छोटा घेतला तर 60 रुपये. अगर छोटा लेते तो 60 में एंड आप लोगों को बड़ा चाहिए तो 90 में. हर एक चीज आप लोगों को इनके शॉप पर मिल जाएगी. ओके सो सबसे पहले आप लोग ये देखो आर्टिफिशियल हार बोलते हैं जिसको मराठी में. दादाजी क्या प्राइस है? 180 रुपये. अच्छा ये 180 से स्टार्टिंग है आणि एंडिंग कुठे होते है जी? 400 पर्यंत एंडिंग है. ओके सो आप लोग ने इतना चीजें सुनी रहेंगे एंड अभी शॉप के अंदर चलते जो कि आप लोगों को नाम मालूम पड़ जाएगा. तो अभी चलते अंदर. ये देख सकते हो ये क्या है? तोरण है. नवीन पैटर्न मध्ये लोकर मध्ये तोरण आहे. नवीन पैटर्न मध्ये 500 आणि 400 दोन पैटर्न आहेत. आणि हे वाला सर वार आहे ना आपल्याला 150 रुपयाला जो काय लावलेले प्राइसिंग केले. हे कसा यूज होता गणपती बापांसाठी? आज पोटूला गणपतीसाठी पण ठीक आहे. ओके 160 आहे ना काहीतरी? 160 150 वाले पार वेगवेगळे कॉस्ट आहे. ओके यहाँ पे भी आर्टिफिशियल प्लांट्स है. यहाँ पे थोड़ी अलग चीज़ है लाइक प्रॉपर पता नहीं है बट डेकोरेशन के रिलेटेड ये जो कुछ भी है.
ओके सो आप लोग ने बहुत सी चीजें अभी देखी एंड ये देख लो जो कि वॉल पे यूज होता है लाइक इनकी प्राइस भी कुछ 200 या 250 से स्टार्टिंग है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंड ये आप लोग ने नहीं देखा तो बहुत सी चीज़ें एंड ये शॉप हम लोग ने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि अगर हर चीज़ करने जाऊँगा तो व्लॉग आई गेस मूवी हो सकता है तो वो नहीं करना है मेरे को। आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे बहुत से छोटे मूर्तिज वगैरह आइडल्स है गणपति बापा के एंड गणपति बापा जाने के बाद जो गौरी आती है जिसको मराठी में बोलते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक चीज़ें आप लोग देख सकते हो प्रॉपर छोटे जो आइडल्स है हर एक चीज़ के आप लोगों को मिल जाएंगे एंड खास करके जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनके फेस्टिवल के हर एक चीज़ें लाइक विट्ठल की मूर्ति भी है हर एक चीज़ एंड यहाँ पे संभाजी महाराज भी है तो एंड उनके बाजू में उनके पिताजी शिवाजी महाराज आप लोग देख सकते हो तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पर एंड आप लोगों को और चीज़ें दिखाता हूँ। सो आप लोग ने बहुत से सार्वजनिक गणपति बापा के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें देखा रहेगा कि ये जो मेन डेकोरेशन का मंडप होता है उसमें सारी चीज़ें होती है लाइक तो इनके पास आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी एंड ये आंटी आप लोगों को बताएंगी अभी। हो चालेल चालेल मराठी चालेल जे तुम्हाला जमतं तुम्ही सांगू शकता की ये जी स्टार्टिंग प्राइस काय आहे या डेकोरेशनची या जे काय 900 ओके 11 ओके तो इसके पीछे और भी है ये बहुत डोप लग रहा है गाइस एंड बहुत से वैरायटीज आप लोगों को मिल जाएंगे एंड ये 1700 का है आप लोग देख सकते हो प्राइस है ऊपर यानी कहीं डिस्काउंट वगैरह ओके ओ ये भी डोप है ओके आणि सगळ्यांची प्राइसिंग डिफरेंट है ना ओके ओके ओके। सो गाइस हम लोग फाइनली वो शॉप के बाहर आ चुके हैं एंड आप लोगों को ऐसा कोई शॉप नहीं कि लाइक आप लोगों को हर एक चीज़ वहाँ पर ही मिल जाएगी आप लोग पूरा स्ट्रीट भी घूम सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो लाइक एंड आप लोग पूरी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो फिजिकली क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही शॉप से आप लोगों को बाय करना है। मैंने तो जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के लिए वो शॉप दिखाया था एंड फिलहाल जो मार्केट है अभी देखो बारिश जा चुकी है उसकी वजह से मार्केट अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे करके एंड मैं आप लोगों को जितनी भी स्ट्रीट की चीज़ है वो सारी दिखाने का भी ट्राई करूँगा एंड आप लोग देखना फिलहाल क्योंकि मेरे दोस्त को भी कुछ बाय करने बहुत सी चीज़ें क्योंकि उसके घर पर गणपति बापा आते तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कुछ भी रहेगा और मार्केट के बारे में क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है आप लोग देख सकते हो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो मंडप के ऊपर का होता है ये वो पार्ट का डेकोरेशन का चीज़ है एंड आप लोग को ये शॉप में मिल जाएगा तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है जो कि डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड ये आप लोग को मिलेंगे ओके तो आप लोग देख सकते हो और भी चीज़ें अंदर है क्या प्राइस है बहन की कौन सा इसका कोई भी अच्छा कोई भी 80 रुपीज़ में आप लोग को मिलेगा एंड ये भाई दिखेंगे आपको ये या फिर ये क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा है एंड इनके नीचे बहुत सी चीज़ें ये 100 में आप लोग को मिल जाएंगे ओके जो बड़े वाले वो 100 में अच्छा इसमें 30 फूल्स ओके तो कैसे आप लोग ने वो वाले फ्लावर्स तो देखे रहेंगे जो कि आर्टिफिशियल थे डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा काम आते एंड ये भी डजन कुछ 120 रुपीज़ में जो कि बहुत सही चीज़ है एंड इसमें बहुत सी वेराइटीज़ आप लोग देख सकते हो। एक अंकल अभी सब सेटअप वगैरह कर रहे हैं क्योंकि बारिश है गाइस एंड यहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग को मिल जाएगी देखो यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें एंड ये जस्ट निकाला नहीं बारिश की वजह से सो अभी और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं आप लोग सामने भी देख सकते हो तो आप लोग देख सकते हो ये आर्टिफिशियल ग्रास है लाइक ये बैकग्राउंड में यूज़ होता है। अंकल क्या प्राइस है इसका 250 में आप लोगों को मिल जाएगा जो कि अंकल की शॉप है आई डोंट नो क्या नाम है बट आप लोगों को कोई भी स्ट्रीट्स में मिल जाएगा ये एंड हाँ और एक चीज़ गाइस यहाँ पे खाने की भी बहुत चीज़ें लाइक जो खाओ गली है चर्च गेट का ना लाइक सॉरी ये दादर का है खाओ गली लाइक खाओ गली नहीं बोल सकता बट यहाँ पे बहुत सी खाने की चीज़ें तो ऐसे मैंने रेंडमली नाम दे दिया बट अभी हम लोग और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड मेरे पीछे देखो गाइस कितने डोप चीज़ें हैं तो मैं आप लोग अभी बताता हूँ एक एक करके ओके सो गाइस हम लोग मार्केट जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम लोग एक डोप सी चीज़ दिखी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा तो आप लोग देख सकते हो गाइस इसको मकर बोलते हैं मराठी में एंड इनका जो कुछ भी प्राइस रहेगा वो बताएंगे अंकल क्या होता है स्टार्ट होता है बताओ जरा 5,500 है ये LED वाला सब 5,500 से मिलेगा ये देखो इधर बहुत सारे वराइटीज है LED में भी ये देखो इधर साइड में LED लाइट का पैनल मिलता है ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो गाइस वहाँ पर यहाँ पर भी देखो सबसे पहले ये साइड देखो आप लोग इसको शिव मुद्रा बोलते हैं
नहीं पता। आप लोग देख सकते हो ये सबसे बड़ा वाला मकर है इनके पास, जो कि आप लोग को पिंक कलर में दिखता होगा। हाँ वही कलर है, बट इनका जो प्राइस आप लोग को रेंज में मिल जाएगा 7,000 to 8,000 के बीच में, है ना। सो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते गाइस, एंड बहुत सी डोप चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेगी यहाँ पर। कलेक्शन देखो गाइस, एंड ऊपर की तरफ तो देख ही सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है फिलहाल। ओके सो गाइस, हम लोग एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर सारी चीज़ें इको फ्रेंडली मकर मिलती है। लाइक आप लोग ने ये मार्केट में हम लोग ने जितनी भी चीज़ें एक्सप्लोर की वो सारी नॉर्मल चीज़ें थी, बट यहाँ पर आप लोग ने ऊपर जैसे पड़ा रहेगा थोड़ा ऊपर कर दो तो आप लोग ने आएगा पढ़ लिया रहेगा गाइस। सारी चीज़ें यहाँ पर इको फ्रेंडली मिलती है मकर, एंड इनकी प्राइस भी कुछ मतलब रेंज में ही अच्छे खासे। सो अभी अंदर चलते एंड देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, आ जाओ। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये सारे जो मकर है बहुत सही है, एंड ये सारे इको फ्रेंडली है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत से कलेक्शन है, छोटे से ले गए बड़े में आप लोग को हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। लाइक एंड इनका कुछ प्राइस है 12,000 to 15,000, जो कि सबसे बड़ा है। एंड यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, लाइटिंग में भी है। तो ये पूरा एक बड़ा सा महल टाइप है जहाँ पर आप लोगों को ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, एंड इसकी एंट्रेंस आप लोग देख सकते हो जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी यहाँ पे एंट्री करने से पहले। बहुत डोप चीज़ें गाइस, बहुत सही। क्या प्राइस अंकल इसका? 800-800 करके अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाँ ये मेन चीज होती है डेकोरेशन में। ओके सो गाइस, मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दी है जो मार्केट में थी। अभी जो चीज बचती है वो फिलहाल लास्ट बचती है लाइटिंग की, जितनी भी चीज है लाइक तोरण से लेके हर एक चीज जो डेकोरेशन में यूज होती है, क्योंकि खास करके आज का जो हमारा व्लॉग है वो डेकोरेशन के ऊपर ही बनने वाला है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो मार्केट में मैंने इंट्रो दिया था तभी आप लोगों को बता दिया था, एंड अभी सिर्फ जो चीज़ बचती है आप लोगों को बताने की वो है लाइटिंग की। तो अभी ढूंढते स्ट्रीट पे भी हम लोगों को लाइटिंग की शॉप मिलती है, तो एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ हर एक चीज़, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा डोप बना है, एंड मैंने थोड़ी बहुत मराठी लैंग्वेज भी यूज़ की है जो कि मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगी आई नो, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे आगे वाले स्ट्रीट पर जहाँ पर और तगड़ा मार्केट है। अगर यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को हर एक चीज़ गाइस मिल जाएगी, एंड ये मैंने आप लोगों को एड्रेस तो इसका बता दिया रहेगा, अभी हर एक शॉप का तो नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जितने भी शॉप है वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ लाइक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मिल ही जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ढूंढने की ज़्यादा गरज नहीं। अगर आप लोग स्ट्रीट पर जाते हो चलते चलते आप लोगों को हर एक चीज़ दिख जाएगी गाइस जेन्युइनली। तो अभी देखते हम लोगों को क्या देखने मिलता है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला था लाइटिंग का जो तोरण होता है डेकोरेशन का वो, एंड उसके रिलेटेड सारी चीज़ें तो देखते हैं। ओके तो शुभम ने यहाँ से हार परचेज किया। ओके सो मेन चीज़ होती है डेकोरेशन में जो गणपति बापा को पहनाते हैं वो लाइक कंटी होती है जिसको मराठी में बोलते हैं। सो यहाँ पे बहुत सा डिफरेंट कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़। है जी क्या प्राइस है ना? 300। ओके पेयर्स में 300। सिंगल होता है? ओके आनी है जी 100। ओके सो बजट रेंज में हर एक चीज़ यहाँ पे, एंड है जी 320 डजन होते हैं पीसेज है हर एक चीज़ के, बाकी सब तेज रेट है ना जो मार्केट में दिखाते हैं। एक्चुअली दादा टाइमिंग क्या है शॉप का स्टार्ट हुआ था? ओके 10 से 11 बजे तक भाई का जो शॉप टाइमिंग है वो स्टार्ट होता है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो। अगर आप लोग को बाय करना हो स्पेशली आप लोग को हर एक चीज़ मिल जाएगी भाई की शॉप पे, घंटी से लेके हर एक चीज़। भाई यहाँ पे हॉर्न का बहुत नॉइज़ है, तो मैं आप लोग को अभी आगे जाके मिलता हूँ, एंड ब्लॉग कंटिन्यू करते हो सके तो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने कवर की आज के ब्लॉग में। आप लोग को अगर पसंद आती है तो आप लोग को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ब्लॉग यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चल के एंड करते हैं। ओके सो गाइस हम लोग की जो लास्ट चीज़ बची थी जो हम लोग की लाइटिंग थी, तो हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे बहुत से LEDs वगैरह लाइक आर्टिफिशियल दीवा, दीवा ही बोलते हैं ना इसको मराठी में। क्या प्राइस है? 150 पे देखो कितने सारे वेराइटीज है, लाइक इसमें देखो 300 है, ऊपर भी देखो सब तोरण है, एंड इनमें कलर देखो हर एक कलर वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे, बहुत से डूब कलर है। आप लोग देख सकते हो ये जो साइड में डेकोरेशन होता है उसके लिए छोटे से लाइटिंग से वो यूज होते हैं।
सो थैंक यू सो मच, बाय। ओके सो फाइनली हम लोग का पूरा मार्केट कवर हो चुका है करके बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई रही ब्लॉग में, तो आप लोग यहाँ पे आके बाय कर सकते हो। एंड खास करके मैंने आप लोगों को जो बताया था डे लाइट में यहाँ पर आओ क्योंकि चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर देखने मिलेगी। एंड हाँ गाइस और एक चीज़ है, देखो यहाँ पर ऐसा तो कोई प्रॉपर शॉप नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी, बट पूरा स्ट्रीट अगर आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने मिलेगी जो आप लोग ने डेकोरेशन की चीज़ें देखी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आओ एंड आई गेस आप लोगों का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा टू, एंड पसंद आएगा तो आप लोगों को पता है क्या कर रहे हैं, तो जाओ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड आप लोग फ्रेंड लोग को भी शेयर करो, मिलते हैं डोप सी वीडियो में। एंड और एक चीज़, जो मार्केट का स्टार्टिंग टाइम है वो कुछ आई गेस अराउंड 10 बजे होता है स्टार्ट एंड 11 बजे बंद होता है रात को, तो जो मिड डे होता है तो प्रॉपर मार्केट आप लोग को मिड डे में देखने मिलेगा, तो आप लोग तभी आना एंड देखना मार्केट में आप लोग को बहुत सी सही चीज़ें मिलेगी अगर आप लोग डेकोरेशन के लिए आ रहे हो। तो मिलते हैं ऐसी डोप सी वीडियो में एंड बाय।